नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या तिवारी। आज सर्व पितृ अमावस्या है, क्या है इसका महत्व और आज कैसे करें पितरों का श्राद्ध, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होती है सर्व पितृ अमावस्या, कैसे करें आज पितरों को प्रसन्न, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सर्व पितृ अमावस्या का महत्व। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आश्विन और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है शुभ और उसके साथ साथ आज जो व्रत और पर्व पड़ रहा है क्योंकि चतुर्दशी में ही अमावस्या का संयोग है, तो आज की तिथि में और कल भी दोनों दिन जो है 23 और 24 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। तो क्या है सर्वपितृ अमावस्या का महात्मा, आज अमावस्या का मान किया जा रहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। तो ये था आज का पंचांग। अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में थोड़ा सावधान रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि ऐसे संयोग बनते हैं कि कार्य व्यापार में आपके साथ कोई धोखा हो जाए, तो आज आप सावधानी से काम करिए। आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य, पिता पक्ष या करियर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। वहीं विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छी सफलता मिलने के संयोग आज की दिनचर्या में बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में आपको निराश होने से बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य उत्तम होगा, खर्च में कमी आएगी। अगर आपने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप सही समय पर धन उसे वापस कर दें। जो भी कर्ज आपने लिया हुआ है, ऋण की जो स्थिति है, उसे सही समय पर चुकाने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। समय पर कार्य न होने से तनाव और कार्य का दबाव भी आपके ऊपर बढ़ेगा, तो प्रयास ये करना है कि जो भी तय सीमा है, जो भी डेडलाइन है, उसके अंदर आप अपने कार्य को पूरा कर दें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की बात या परिवार की तरफ से आया हुआ कोई भी जो सुझाव है, उसे आप अनदेखा ना करें। चलिए आप जान लेते हैं क्या क्या रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके कार्यक्षेत्र में काफी समस्या व विवाद की स्थिति आ सकती है, जिसके कारण आप कुछ परेशान और व्यथित हो सकते हैं, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको पूरा मिलने वाला है। सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी करने से बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ नए और तरोताजा विचार, कुछ नए आइडियाज और अच्छे प्लान आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिससे आप काफी आगे बढ़ सकते हैं।
आज की दिनचर्या में आप जो भी काम करेंगे उसके आने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम आपको मिल सकते हैं, और पुराने समय में जो आपने काम किया था, खासतौर पर जो अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय किया था, उसके परिणाम आज की दिनचर्या में आपके पक्ष में आए, बहुत उत्साहजनक नतीजे आए, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज बहुत ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, जब भी बोलें तो सोच समझ करके नपातुला बोलना चाहिए। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में हानि की आशंका ज्यादा दिखाई देती है, तो आज किसी भी तरीके के खासतौर पर लेन देन से बचें और किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा करने से आज बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई बेहद अहम फैसला आज आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप जो भी निर्णय करें, जो भी आपका फैसला हो, फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे आपके परिवार का भला हो, परिवारजनों के साथ परस्पर मनमुटाव न बढ़े, आपस में कोई विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रख के ही कोई निर्णय करना चाहिए, आम राय बना करके कोई निर्णय करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन यात्रा के लिहाज से आपके लिए बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा अगर आप न करें तो ज्यादा उत्तम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के किसी कार्य से या उनके व्यवहार से, कार्यशैली से कोई दिक्कत है, तो आज आपको उस विषय पर खुल के उनसे बात करनी चाहिए और समस्या का कोई समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। कार्य में सफलता के लिए आज आपको पहले से कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, तो मेहनत में कमी मत रखिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और जब आज आप कोई बड़े निर्णय करते हैं तो बहुत शांत चित्त होकर के निर्णय करना चाहिए, क्रोध वश कोई भी निर्णय ना करें, क्रोध करने से भी बचें। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आपका ऐसा स्वभाव है कि कभी कभी आप अपने कामों को अधूरा छोड़ देते हैं, आज आपको अपने इस स्वभाव को, इस आदत को बदलने का प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति कर पाएंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। जो आपकी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी है उसको आज आप बहुत अच्छे तरीके से भली भांति पूरा कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपनी किसी गलती के लिए आप किसी से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन आप सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो अब वो सही समय आ चुका है। वैचारिक तनाव, परेशानी, वाद विवाद कम हो जाएगी जब आप अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। मन में जो एक बोझ बना हुआ था, दबाव बना हुआ था, वो उससे काफी हद तक कम हो जाएगा, तो क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ज्यादा लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना या झूठ का सहारा लेना आपके लिए ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या क्या रहा है कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में एक अच्छी खबर, शुभ समाचार ये है कि अगर आज आप प्रयास करें तो आपका जो रुका हुआ धन था, अगर कहीं पैसा आपका अटका हुआ था, तो वो बकाए धन की प्राप्ति आज आपको हो सकती है। अनचाही समस्याएं कुछ सामने आ सकती हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से, बुद्धि विवेक से आप उनको दूर कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको पहले से थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना होगा, तब कहीं जाकर के आप फल की प्राप्ति कर पाएंगे, या यूं कहा जाए कि आम दिनों की तुलना में आज मेहनत भी ज्यादा होगी और लाभ भी कम मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंच सके। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की, जान लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। अपने बीते हुए कल से कुछ सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत प्रसन्न होकर के, भाव विभोर होकर के, बहुत बड़े वादे या बड़े कमिटमेंट्स किसी से आज नहीं करने चाहिए। और अभी कॉलर सहारनपुर से जुड़ गई है प्रियंका। प्रियंका अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि 25 जनवरी 1990 है सर। मुजफ्फरनगर जिला में हुआ था मेरा जन्म। जी, समय बता दे। पंडित जी, सुबह 6:30। जी पंडित जी, मेरी समस्या ये है कि पंडित जी, मैंने कितनी बार पेपर दे लिए एग्जाम, मगर पंडित जी कहीं भी ऐसा नहीं हो पा रहा कि कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए। या पेपर दे के आती हूँ, मुझे लगता है कि सही है, मगर हो ही नहीं पाता। जी बिल्कुल, देखिए जो परिस्थितियां हैं वो बहुत आपके पक्ष में नहीं है। इस स्थिति में कहीं बहुत बड़ी सफलता, बड़ी उम्मीद का हम लोगों को कोई लक्षण नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये चाहिए कि आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना नियमित तौर पर करें, तब मैं समझता हूँ कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत बड़ा काम नहीं है, रोज डेली नियमित दिनचर्या में आपको एक पाठ हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा का अवश्य करना चाहिए। अभी कॉलर राजस्थान से जुड़ गई हैं, आरती जुड़ गई हैं। आरती अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मैं अपने पापा के बारे में और मेरे बारे में जानना चाहती हूँ आपसे। जी बताइए। हाँ, मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1966। जी हाँ। और ना टाइम है सुबह का 6:30। जी। और राजस्थान सदाशहर। जी हाँ। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर। देखिए, एक बार में हम लोग एक कुंडली के बारे में ही चर्चा कर पाते हैं, इतना समय नहीं होता कि दो कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करें। अभी आपने जो अपने पिताजी का जन्म विवरण दिया, इनकी कुंडली के अनुसार मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, तो निश्चित ही मंगल और शनि आपस में धुर विरोधी हैं और शनि जिन भावों का स्वामी है वो बहुत अशुभ संकेत दिखाता है। तो निश्चित ही जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा, बहुत तनाव की स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में भगवान श्री हनुमान और श्री महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो अगर आपके पिताजी सोमवार के सोमवार शिव मंदिर जाकर के कच्चा दूध अर्पित कर सकें और बाकी के दिनों में अपने घर में शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एक कॉलर देवरिया से जुड़ गई हैं, सीमा जुड़ गई हैं। सीमा अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी हेलो पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। जी, मेरा जन्म तारीख है 1992, 6 नवंबर 1992। जी। शाम को। जी 7 बजे। जी, समय शाम का 7 बजे। जी, जी। जन्म स्थान बता दें। यूपी, मतलब देवरिया, यूपी में। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है मैडम, जिला चाहिए होता है हम लोगों को। गौरी बाजार। देखिए, आपके जन्म विवरण के अनुसार बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा है और ये समय, जैसा आपने अपने विवाह के बारे में जानने के लिए कहा, तो ये समय निश्चित ही कहीं ना कहीं से विवाह में विलंब दिखाता है। तो इस समय में आपको थोड़ा सा विलंब मिलेगा विवाह में, इंतज़ार करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लग्न में केतु का होना और सप्तम भाव में राहु का होना, ये आपके विवाह में बहुत बड़ी बाधा डाल रहे हैं। तो आपको अपने अभिभावकों से, माता पिता से कहना चाहिए कि ये जो राहु केतु का अशुभ योग बना है, अगर इसका निदान कर लेते हैं, वैदिक मंत्रों का जाप करा लेते हैं, तो निश्चित ही कहा जाएगा कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और आपके विवाह में जो बाधा है वो दूर हो जाएगी और विवाह होने के उपरांत दाम्पत्य जीवन का सुख आपको प्राप्त हो पाएगा। अन्यथा इस योग में बहुत सारे संबंध टूटते, परिवार बिखरते देखे गए हैं, वो लक्षण बनता है। तो भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, इसका निदान समय रहते कर लेना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय।
जी बिल्कुल, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर्व पितृ अमावस्या पर। क्या है सर्व पितृ अमावस्या? आज यानी 23 और कल यानी 24 सितंबर दोनों दिन इस बार अमावस्या का संयोग हो रहा है। इस बार पितृपक्ष में कुछ ऐसा ही संयोग था। पितृपक्ष के आरंभ में पूर्णिमा का संयोग दो दिन माना गया, दो दिन पूर्णिमा लोगों ने मनाई, और इस बार अमावस्या का भी ऐसा ही संयोग बन रहा है। आगे आने वाले समय में इसी का हम परिणाम देखेंगे कि नवरात्र जो है इस बार 8 दिन का होगा, एक तिथि घट जाएगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या क्या है और क्यों मनाना आवश्यक होता है सर्व पितृ अमावस्या। सब पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए इस तिथि में, और अमावस्या का तर्पण करता है समस्त पितरों को तृप्त। तो किस प्रकार से अमावस्या की तिथि में, खासतौर पर आश्विन अमावस्या में, आपको पितृ तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है, आइए ये जानते हैं। श्राद्ध पक्ष में अमावस्या का महात्म बहुत बड़ा है। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने अमावस्या के बारे में चर्चा की थी। अश्विन मास की अमावस्या पितरों की शांति का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, सबसे अच्छी तिथि होती है। जिन लोगों ने अपने पूर्वजों का 3 वर्ष तक श्राद्ध ना किया हो, उनके पितर जो हैं वह पितृ योनि से निकल करके वापस प्रेत योनि में आ जाते हैं, अतः उनकी शांति के लिए तीर्थ स्थान में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। इस कार्य में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा पितृ श्राप के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितृ को पिंडदान करने वाला हर व्यक्ति दीर्घायु होता है, पुत्र पौत्रादि से संपन्न होता है, यश की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, पशुधन को प्राप्त करता है, और उसके साथ साथ जीवन में सुख के तमाम साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति वह व्यक्ति करता है। यही नहीं, पितृ की कृपा से ही उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य तथा राज्य की प्राप्ति होती है, और उसके उपरांत मोक्ष की प्राप्ति भी पितृदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही मनुष्य को हो पाती है। वैसे तो हर माह में आने वाली अमावस्या पितरों के लिए बहुत ही पुण्यतिथि मानी जाती है, लेकिन आश्विन मास की अमावस्या पितृ के लिए परम फलदायी मानी गई है। तो इस तिथि में पितृ कार्य अवश्य करना चाहिए। इस अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या अथवा महालया भी कहा जाता है। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं कर पाते हैं, वह लोग अमावस्या को ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्धादि संपन्न करते हैं। जिन पितर की तिथि याद नहीं होती, जिनकी तिथि, जिनकी निर्वाण तिथि की जानकारी उनके परिजनों को नहीं होती, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण दान इत्यादि जो है अमावस्या को ही किया जाता है। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अमूमन हर व्यक्ति, हर परिवार ऐसा करता है कि अमावस्या को भी दान इत्यादि कर देता है, कि अगर परिवार में और भी कोई अतृप्त आत्मा है, कोई ऐसे परिजन है जिनके बारे में हम कोई श्राद्ध कर्म नहीं कर पाए, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, उनके निमित्त भी दान निकाल करके ब्राह्मण देवता को दे दिया जाता है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितृ को आस लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान करके हमें संतुष्ट करेंगे। आयु पुत्रान यशस्वर्ग कीर्ति पुष्टम बलियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृ पूजनात्। यही आशा लेकर के वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि जब आप अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं तो जीवन में हर प्रकार के आयु यश बल इत्यादि की प्राप्ति हमें होती है। अतएव प्रत्येक हिंदू गृहस्थ का धर्म है कि वह पितृपक्ष में अपने पितृ के लिए श्राद्ध एवं तर्पण इत्यादि करे तथा अपनी श्रद्धानुसार पितृ के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। पितरों की शांति के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन, सीधा यानी कच्चा अन्न दान कर लेना, वस्त्र, भूमि, गोदान, स्वर्ण दान इत्यादि कर्म जो है वह किए जाते हैं। गोदान जो है इस स्थिति में बहुत सारे लोग करते हैं। गोदान के भी 5 प्रकार होते हैं। जो प्रथम प्रकार है वह ऋण धेनु है, द्वितीय प्रकार जो है वह पापनोद धेनु है, यानी पहला अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार का अगर पितृ ऋण है तो उससे मुक्ति होती है, 2 गौओं का दान करने से पापों की मुक्ति होती है, तृतीय गौदान जो है उत्क्रांति धेनु कहा जाता है, चतुर्थ जो गौदान है उसे वैतरणी धेनु कहते हैं, और पंचम जो है उसे मोक्ष धेनु कहते हैं। जो भी दान करना होता है किसी व्यक्ति को, हाथ में त्रिकुश लेकर के जल, अक्षत, पुष्प तथा कुछ द्रव्य यानी दक्षिणा लेकर के संकल्प के साथ आपको जल छोड़ देना चाहिए, दक्षिणा का भी कुछ संकल्प करना चाहिए। गौदान से पूर्व अपना नाम, गोत्र इत्यादि के साथ पितरों की तृप्ति हेतु गौदान का संकल्प उच्चारित करके आपको दान करना चाहिए। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अगर आप करवाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। गया जी में पिंडदान भी कराना चाहिए। यह सभी कार्य पितरों की शांति के लिए उत्तम उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं।
और पंडित जी एक सवाल ये भी है कि जैसे कई लोग तो आज कर रहे हैं अमावस्या और कई लोग कल करेंगे, तो इसमें क्या मतलब इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त होता है क्या अमावस्या के लिए? नहीं, देखिए ऐसा कोई महात्मा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई विधान नहीं है कोई शुभ मुहूर्त है, क्योंकि पूरे दिन अमावस्या का मान हो रहा है, तो जो लोग अपनी सुविधा से आज कर सकते हैं उन्हें आज कर लेना चाहिए। आज की तिथि में बस ये है कि चतुर्दशी और अमावस्या दोनों का संयोग है और कल जो है पूरे दिन अमावस्या रहने वाली है, तो अमावस्या की तिथि में सभी पितृ जो हैं वह कार्य आपको पितृ से संबंधित कार्य कर लेने चाहिए, और अमावस्या के दिन ही पितृ विसर्जन हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। अमावस्या के दिन पितृ अपने पुत्र आदि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध के आशा से आते हैं, यहाँ पर उन्हें पिंडदान व तिलांजलि आदि नहीं मिलती तो वो शाप देकर के चले जाते हैं, अतः श्राद्ध का परित्याग किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के लिए पर्व का समय है, अतः ये जो समय होता है पितरों की शांति के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए पूरे श्रद्धा से इच्छा से श्राद्ध इत्यादि करते हैं दान इत्यादि करते हैं निश्चित ही हर प्रकार से उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।